हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बनाने जा रही हूँ डोरमेट, जिसे बनाने के लिए मैंने तीन कलर की ये साड़ियाँ ली हुई हैं। और इसको आप पुरानी चादर से भी बना सकते हैं या फिर चुन्नी से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास इस तरह का कपड़ा हो उसको आप यूज करके इसको बना सकते हैं। तो देखिए, इसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई 3 इंच है और लंबाई इसकी करीब 2 मीटर है। जितनी मेरे पास थी वो मैंने इस तरह से देखिए कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पट्टी ली है और देखिए दूसरी पट्टी मैंने इस तरह से फोल्ड कर ली, दोनों कॉर्नर पकड़ लिए ऐसे। और आप देखिए, मैं इसको फंसाऊंगी इस पट्टी के अंदर इस तरीके से। देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे इसके अंदर से इसको निकाल देंगे ऐसे। देखिए ये देखिए, इस तरीके से हम इसमें 4 पट्टियां फंसा लेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ पिन लगा दी। ये देखिए, इस तरह से मैंने 4 पट्टियां फंसा ली, 1 2 3 4। अब देखिए, इसको हम थोड़ा सा खींच लेंगे इस वाले धागे को जो बड़ा वाला है, और यहाँ से ऐसे नॉट लगा देंगे। ये देखिए, ऐसे मैंने ये नॉट लगा दी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको रख लिया। अब इस पे कोई वजन की चीज रख लेंगे यहाँ पे ऐसे। और देखिए, जो बड़ी वाली पट्टी है जैसे हमने नॉट लगाई है उसको हम पकड़ेंगे ऐसे, और इसको नीचे से ऐसे दूसरी पट्टी को ऐसे करके निकालते हुए नॉट लगाएंगे। ये देखिए, एक नॉट लगा दी, वापस इसी में से ऐसे निकालते हुए दूसरी नॉट लगाएंगे। ये देखिए, और अगली पट्टी लेंगे, ऐसे ये देखिए। इस तरीके से हम पूरे में यहाँ तक बना लेते हैं एक राउंड। ये देखिए, इस तरह से मैंने अब इसको राउंड को कंप्लीट कर लिया, और दो दो चार जगह मैंने इसको बांट दिए। ये देखिए, एक मेरे पास ये वाली है और दो दो मैंने चारों जगह कर दिए। अब देखिए, इस पे फिर से मैं ऐसे वजन रख लूंगी और यहाँ से देखिए एक पट्टी को पहले बना लूंगी ऐसे, दो नॉट लगा लूंगी इसकी, और उसके बाद हम इसमें ब्लू कलर की पट्टी फंसाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ब्लू कलर की पट्टी को ऐसे इसके अंदर से निकाल देंगे, और ये पट्टी आपको सिर्फ फंसा के ही छोड़नी है। अगली पट्टी लेंगे, इसकी दो नॉट लगा देंगे ऐसे। ये देखिए, आप देखिए, इसी तरह से हम चारों के बीच में एक एक पट्टियां फंसा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैंने चारों पट्टियां फंसा दी हैं, दो दो ये आ गई और इस तरह से एक एक ये फंस गई। अब देखिए, फिर से मैं यहाँ से राउंड शुरू करूंगी, तो यहाँ से ब्लू कलर से अगला राउंड स्टार्ट होगा। देखिए ये देखिए, अब मैं इनको दो दो बार बनाते हुए पूरा राउंड ऐसे ही कंप्लीट करूंगी। ये देखिए, तो इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। ये देखिए, इस राउंड को यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया। अब देखिए, फिर से अगला राउंड स्टार्ट करेंगे, तो देखिए एक पहले मैं ब्लू को बनाऊंगी ऐसे। आप देखिए, सेंटर में इसके ये वाली पट्टी फंसा दूंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक फंसा दिया। अब दूसरा दूसरी पट्टी से बनाएंगे, और देखिए इसी तरीके से मैं सब में ये चार जगह ब्लू कलर है वहां चारों में एक एक सेंटर में एक इधर कर देंगे, एक इधर कर देंगे, बीच में इसके फंसाना है चारों। ये देखिए, चारों जगह मैंने ये फंसा दिए, और देखिए अब हमारे पास इस तरह से आ गए हैं। तो दो दो अब हम कर देंगे, ये देखिए दो इधर को इधर कर देंगे, दो इधर कर देंगे, सेंटर में फंसाएंगे। तो यहाँ से देखिए, पहले हम दो पट्टियां ये बना लेते हैं ब्लू की, दो बना लेंगे, उसके बाद फंसाएंगे। ये देखिए, दो बना ली ऐसे। अब देखिए, ये वाली पट्टी फिर से हम इसमें फंसा देंगे यहाँ से। ये देखिए, ऐसे ऐसे डालेंगे, इसके अंदर से ये दोनों निकाल देंगे। तो यहाँ पे ये नॉट लग के ऐसे फंसा के छोड़ देंगे ऐसे। इसको सेंटर में ही फंसाना है दो दो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने ये चारों जगह फंसा लिए हैं। अब देखिए, इसमें चार कोने ये दिखने लगे, तो ये
चौकोर बनके कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए मैं रेड वाली पट्टी लूंगी, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ पे मैं, यहाँ पे राउंड खत्म हुआ तो यहाँ से एक दो तीन, तीन इधर और देखिए ये तीन इधर, ऐसे एक दो तीन, तीन मैं इस पट्टी में बनाऊंगी पहले, फिर उसके बाद मैं फंसाऊंगी। ये देखिए तीन पट्टियाँ मैंने बना ली हैं दो दो नॉट लगाते हुए। अब देखिए यहाँ पे मैं ये रेड कलर की पट्टी ऐसे यहाँ पे बराबर होनी चाहिए, ये देखिए ऐसे, ये देखिए यहाँ पे फंसा दी। उसके बाद फिर से तीन बना दूंगी इधर ऐसे दो दो नॉट लगाते हुए, और देखिए इसी तरीके से हम चारों जगह फंसाते हैं। ये देखिए मैंने चारों जगह एक एक रेड भी फंसा दिए हैं। अब देखिए इसको इस रो में ऐसे ही बनाएंगे, अगली रो में फिर से एक फंसाएंगे और फिर एक रो ऐसे ही बना देंगे, उसके बाद फिर से एक फंसाएंगे। तो ये तीन इसके फंस जाएंगे रेड के यहाँ पे, और सेंटर में ही फंसाना है आपको इस तरीके से, जहाँ सेंटर आता जाएगा जो भी फंसते जाएंगे वो इधर आते जाएंगे, इधर चले जाएंगे, उसके बाद फंसाना है। तो इस तरह से हम बना लेते हैं तीन ही इसको रेड को। ये देखिए इस तरीके से मैंने तीन पट्टियाँ इसकी भी डाल दी हैं और ऐसे ये बन के कम्प्लीट हो गया है। अब देखिए यहाँ पे तीन इधर कर देंगे ये, और तीन इधर कर देंगे, सेंटर में हम ग्रीन कलर लगाएंगे ऐसे, ये देखिए ग्रीन कलर को लगा के अगले तीन ये ऐसे ही बना लेंगे जैसे बना रहे हैं। अब देखिए इसी तरीके से चार जगह हम ग्रीन को फंसा देंगे, और देखिए इसी तरीके से आप जितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं, जितने कलर लगाना चाह रहे हैं आप, इस तरह से ये लाइनिंग पढ़ के कम्प्लीट होती जाएगी। जब इसके भी ये इस तरह से हो जाए तो उसके बाद आप ऐसे एक दो तीन, तीन ये डाले हैं तो छः ये हो गए इसमें, तो इसी तरीके से तीन डल जाएंगे, उसके बाद छः इसके हो जाएंगे, फिर आप दूसरा कलर ऐड कर सकते हैं। जितना बड़ा बनाना चाह रहे हैं वो आप बना लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।